सो हैलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अश्मी शर्मा व्लॉग्स। एज यू गाइस कैन सी थंबनेल आपने देख ही लिया, आज का वीडियो होने वाला डेडिकेटेड हमारी 2022 जीटी एलॉय वर्सेस 2023 जीटी स्पोक वन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा 500 से 600 किलोमीटर चला चुका हूं मैं अपनी वाली जीटी एलॉय के साथ, तो मुझे क्या पर्सनली इसमें फ़र्क लगा एज़ कम्पेयर टू स्टॉक वन, उसके बारे में बात करेंगे। पहले इस वीडियो को मैं आपको बता देता हूँ, खड़े खड़े डिफरेंसेस बता देता हूँ मोटे मोटे क्या फ़र्क है, फिर चला के बताऊँगा चला के जो मुझे पर्सनली फील आता है, मतलब कॉर्नरिंग वगैरह परफॉर्मेंस वाइज वो सब इलेबरेट करेंगे। तो पहले मैं बता देता हूँ मेरी हाइट है 5'8". ठीक है, अब मैं बाइक पर बैठ के दिखाता हूँ पोस्चर, क्योंकि ये हमारा 18 इंच, ये हमारा 17 इंच। तो ऑलराइट गाइस, जैसे मैंने बताया मेरी हाइट है 5'8", अब मैं अपनी वाली जीटी पे बैठा हूँ 17 इंच अलॉय के साथ। अभी देखो मेरे पैर बिल्कुल आराम से कंफर्टेबली आ रहे हैं, पैर ये देखो पूरा का पूरा पैर टच हो रहा है मेरा। ठीक है, 17 इंच वाला जो होगा ना, मतलब 5'7" वाला जो बंदा होगा उसके भी पैर आराम से आ जाएंगे इसमें, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस पीछे से थोड़ा सा कम हुआ है। और अगर पोस्चर वाइज बात करूँ तो हाँ ये थोड़ा सा उठा है, अगर क्योंकि 18 में क्या है ना थोड़ा सा ये लीन होता है। अभी मैं इसको अगर आपको दिखाऊँ यहाँ से, वो जब मैं बाइक चलाऊँगा तब दिखाऊँगा, तो 17 इंच लगाने से ये एक प्लस पॉइंट हो गया, थोड़ी कंफर्टेबल और हो गई है। ठीक है, क्योंकि आप पोस्टर इसमें ऐसा ऐसा है वैसा नहीं हो रहा, तो एक तो प्लस पॉइंट ये हो गया। अब मैं उसमें दिखाता हूँ आपको अपनी 18 इंच वाली में। तो अब जैसे कि हम आ गए अपनी स्टॉक वन में, अपने 18 इंच में बैक आ गए हैं। अब इसमें क्या है ना, जैसे बैठती फील हो रहा है, देखो पैर हल्का सा, वैसे आ तो इसमें मेरा ऐसे रहा है बट माइनर सा हल्का सा ऐसे रखना पड़ रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या है ना, ऊंचापन फील हो रहा है भाई, क्योंकि ये चीज़ उसमें बैठी हुई थी, अब यहाँ उठ गई तो इक्वलेंट आ गई है, तो पोस्चर भी इसका ऐसा हो गया है, पहले उसका थोड़ा नीचे की तरफ था, एक तो ये डिफरेंस हो गया दोनों में। तो ऑलराइट गाइस, दूसरा जो मेन रीज़न है हमारा, पहले तो आप लोग देख लो फ़र्क 150 130। दूसरा मेजर रीज़न जो अपडेट करने का ना, यूजुअली लोगों का यही रहता है एसएटी, क्या पीछे से चौड़ापन लगता है। एक तो भाई ने वो पीछे का मडगार्ड नहीं हटा रखा, इससे थोड़ा वो लग रहा है, मैंने तो पहले हटा रखा था, चौड़ापन और आता है। और तीसरा अपना ट्यूबलेस हो जाता है टायर, ठीक है सबसे बड़ी बात ट्यूबलेस हो जाता है, यही मेन रीज़न था। बाकी जो है, बाकी मैं आपको चला के बताता हूँ कि मुझे पर्सनली क्या फील हुआ है। तो ऑलराइट गाइस, पहले मैं तुम्हें रिव्यू बता देता हूँ अपनी, जो अपनी जीटी है जिसपे हमने टायर अपडेट किया था 150 सेक्शन का, अपोलो लगाया था और हंटर का एलॉय लगाया था, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। देखो मैं ज़्यादा ड्रीवन तो मैंने नहीं करी है, टू बी ऑनेस्ट मेरा इतना ड्रीवन नहीं हो पाता है, बट जितनी मैंने ड्रीवन करी है उसके हिसाब से आपको बता देता हूँ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राउंड क्लियरेंस का जो है ना वो फील होता है कि हाँ ग्राउंड क्लियरेंस कम हुई है। सेकेंडली जैसे जैसे चलाता हूँ ना मैं उसका, सेकेंडली क्या है मैं बताता हूँ, अभी कैसे बताऊँ वो चीज़, मतलब जैसे अभी मैं चला रहा हूँ ना, मुझे लिटरली पीछे से ना फील हो रहा है कि एक ना चौड़ा टायर है मेरे, मतलब पीछे ना मैंने वाइडेस्ट टायर लगा रखा है, एक अंदर से ना वाइब सी आ रही है, मतलब फील होता है आपको, कॉन्फिडेंस आता है कि बैक सेक्शन जो है उसमें आपने 150 सेक्शन का टायर लगा रखा है, वो फील होता है। उसका रीज़न क्या है, फील होता है ना जब आप इसे कॉर्नरिंग करते हो ना इसके साथ, तो आपको फील आती है, मतलब प्रॉपर कॉन्फिडेंस आता है, जो मेरे को स्टॉक वाले में नहीं आता था। भाई का जो टायर है उसमें आता है, जो नई जीटी है उसमें तो आता है, बट इसमें नहीं आता था, जो कि अब आता है। और दूसरा मैं बताऊँगा, एक भाई ने कमेंट करा था कि भाई क्या नाम है इसका, टायर अपडेट की वजह से इसके उसमें वो आ गया होगा आपका फर्स्ट टू सेकंड थर्ड गियर की जो टॉप एंड है उसमें फ़र्क आया, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसका भी मैं अभी लाइव तुम्हें दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा, अभी तुम्हें दिखाता हूं मैं, चलो दिखा ही देता हूं, ये रोड थोड़ा आया, अब फर्स्ट गियर देखना, फर्स्ट गियर में 70 गई ना, उसमें भी 70 जाएगी, सेकेंड गियर 100 देख रहे हो, थोड़ा कैमरा है यहाँ पे, अब देखो थर्ड गियर, देखो ये रोड इतना है नहीं भाई, यहाँ पे ज्यादा अनलीस नहीं कर सकता मैं, क्योंकि तो कट भी है, सब कुछ है भाई, सेफ्टी फर्स्ट है, और आज सच कुछ गियर भी नहीं पहने हुए, तो मेरा मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ फर्स्ट टू थ्री गियर में भाई आया नहीं है। और जब से मैंने इसका एयर फिल्टर चेंज कराया मैं ऐसे जैसे टॉप एंड में भी नहीं लेके गया हूँ, जो कि मुझे लेके जाना था, कि देखना है, मैं अभी संडे राइड में जा नहीं पा रहा हूँ, जब जाऊँगा तब इसे प्रॉपर अनलीस करूँगा इस बीस्ट को, कि कितना फ़र्क आएगा, क्योंकि हमने एयर फिल्टर भी चेंज करा दिया अब इसका, और हमने इसका टायर भी चेंज कर दिया है। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी, मतलब जो कन्फ्यूजन था कि टॉप एंड में फ़र्क आएगा, भाई कुछ भी फ़र्क नहीं है। ठीक है,
और बाकी कॉर्नरिंग का मैंने बता ही दिया भाई, कॉर्नरिंग में बिल्कुल कॉन्फिडेंस आता है। अभी मैं थोड़ा लीन करके दिखाता हूँ तुम्हें, यार रोड नहीं है ना यार, ऐसे रोड हो तो मैं तुम्हें दिखाऊँ। अभी मैं ना आगे, इसके आगे जो रोड है ना वहां करके दिखाता हूँ। अब देखना, अब कॉर्नरिंग करके दिखाता हूँ। ये देखो पूरा लेटा दिया, मतलब पूरा तो खैर नहीं लेटाया यार, रोड इतना वो नहीं है और मेरे को इतना प्रोफेशनल व्यू ना मैंने कभी करा भाई, 200 किलो की ये डर लगता है थोड़ा थोड़ा, बट पहले ये भी नहीं होता था भाई, सच बता रहा हूँ, क्योंकि उस टायर की ग्रिप ही नहीं थी यार, ठीक है। तो ये फ़र्क है भाई इसमें कराने का यार, और लुक तो एस्थेटिक हो ही गई है, और ट्यूबलेस तो टायर हो ही गया, वो तो सब एडिशनल चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम चलाते हैं उस वाली को। तो ऑलराइट गाइस, अब हम आ गए हैं 2023 वाली GT में, ठीक है, स्टॉक टायर वाली के साथ, विद 103 एग्जॉस्ट के साथ। भाई इसका सबसे प्यारा पता है क्या फील होता है मुझे, सबसे पहले जब भी मैं इस बाइक पे बैठता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हैंडल ग्रिप्स भाई बहुत प्यारी हैं, बहुत प्यारी हैं ये बहन, ये मैंने ऑर्डर कर दी हैं, आई थी मेरे पे टाइम नहीं मिला स्विच कराने का, वो फिर ख़त्म हो गई, मैंने फिर रीऑर्डर करा, अब जैसे रॉयल इनफील्ड में आएगा जाके चेंज करा लूँगा। सेकेंड भाई इसका क्लच लीवर लिटरली बहुत प्यारा है भाई, 22 वाली में जो आता था वो मतलब हार्ड है यार, ये देखो एक उंगली से ऑपरेट हो रहा है भाई, ये इतना प्यारा है, ये देखो मतलब बड़ा ही प्यारा भाई, बड़ा ही प्यारा भाई ने अपने उसके हिसाब से एडजस्ट कर रखा है, बट स्टिल यार मतलब इतना स्मूथ है क्या बताऊँ यार, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ी सी कॉर्नरिंग करेंगे, इसमें पता नहीं चला आगे से करते हैं, और अब मैं तुम्हें इसमें भी टॉप एंड दिखाता हूँ। पता नहीं क्यों यार ये वाली ना मुझे अपनी GT से लाइट लग रही है, अपनी GT से यार बड़ी लाइट लगी यार ये, मतलब उठ भी बड़ी जल्दी रही है, पता नहीं क्यों यार, एक ना मिथ हो गया माइंड में पता नहीं क्या है। अच्छा एक चीज़ हो रहा है, अब जैसे इसे चला रहा हूँ ना, ग्राउंड क्लियरेंस का फर्क जैसे बोला था भाई 18-17, अब पीछे से उठा हुआ लग रहा हूँ, ठीक है वो मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ठीक है वो हो रहा है। दूसरा क्या है, पीछे जो चौड़ापन था ना वो नहीं फील हो रहा, हल्का हल्का सा टायर ना ऐसे ऐसे हो रहा है, क्योंकि बम्पी रोड है उस वजह से हो रहा है, उसमें इतना ऐसा फील नहीं हो रहा था, ये चीज है, ठीक है। तीसरा भाई इसे अनलीज करो, वो भाई 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 जग लिया, इसने जग लिया, हल्का सा जग लिया, पर भाई क्लच मतलब चुम्बेश्वरी वाला क्लच है इसका, लिटरली बता रहा हूँ। वॉबलिंग इशू बिल्कुल भी नहीं, ना मेरी में है ना भाई की में, ये मेरे हिसाब से जो इनके C8 के टायर आते थे ना उसमें आता था फिर ये प्रॉब्लम भाई, 7,500 जा रही है, या तो फिर इसका स्टॉक वन भी ले ही सकते हो, स्टॉक वन बुरा नहीं है भाई, ग्रिप अच्छी है नो डाउट, मैंने इसे भगाई है ना, ग्रिप अच्छी है इसकी, तो आप इसके साथ भी जा सकते हो। तो ऑलराइट गाइस यही था इस वीडियो के लिए,
बाकी आई नो वीडियो थोड़ी काफ़ी लेट हो गई है भाई, थोड़ा मैं ऑफिस वर्क में बिजी था। अब ट्राई करूँगा नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड से रेगुलर बेसिस पे एक्टिव रहने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।